चिकित्सा बाकी बच्चे खाएं। आवाज आ रही है? बेटे आवाज आ रही है मेरी? क्लियर बेटा? यस मैम आ रही है। ठीक है, सिर्फ चार बच्चे हैं इस वक्त, बाकी कहाँ हैं? बेटे कोई आज? मैम नहीं, आज तो नहीं है, कल है। कल है तो बाकी कहाँ है? बाकियों को, आप लोगों का कोई ग्रुप है तो मैसेज कर दो। ओके मैम। एक बच्चा आया था, वो भी बल के चला गया। अरे चलो ठीक है, आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे टीम्स पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बताओ, कोई भी रैंडमली बता दो। आप लोगों के मिड्स कब खत्म हो रहे हैं? कल? मैम 16 को। मैम 16th को? 16th क्या? 16th जुलाई? फ्राइडे? फ्राइडे। ठीक है। अच्छा कोई बताए कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? सॉरी मैंने लेक्चर नहीं अपलोड किया, चलो लेक्चर में कर दूंगी। कंसेंट पढ़ा था लास्ट टाइम? क्या कंसेंट ही? नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी भी पढ़ी थी, पता नहीं मुझे खुद नहीं याद आ रहा। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था भला हमने? किसी को याद है लास्ट टाइम क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मैम कॉन्फिडेंशियलिटी ही पढ़ी थी। हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है चलो, आज बेसिकली हम लोग टीम्स पढ़ेंगे। देखो टीम्स पढ़नी है हमने आज, ठीक है, वो भी छोटा सा लेक्चर है। ठीक है, अब तुम लोगों के मिड्स हो रहे हैं तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगी मैं। इसकी टोटल 12 स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो ये आज हम बेसिकली पढ़ेंगे टीम्स। टीम्स कोई आइडिया है? जैसे पेशेंट सेफ्टी 1 पढ़ा हुआ है, उसको कोई आइडिया हो टीम्स के बारे में तो बताए। पहले तो अपना नाम बता के फिर बताना। कोई टीम्स का क्या, टीम का क्या मतलब होता है? किसी को नहीं आइडिया? पेशेंट सेफ्टी 1 में नहीं पढ़ा हुआ टीम्स? आवाज आ रही है मेरी बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। चलो ठीक है, चलो पढ़ते हैं। टीम्स पढ़ेंगे आज बेसिकली, और नेक्स्ट टाइम जो है इंशाल्लाह ताला जब लेक्चर होगा तो मैं सुनूंगी। ठीक है, आप टीम बेसिकली या ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकती हूँ कि क्या टीम्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब टीम बेसिकली क्या होता है कि ग्रुप होता है 2 or more individuals का। हम नहीं कहते जिस तरह क्रिकेट टीम हो गई या जिस तरह टीम्स होती हैं, आप कोई भी गेम खेलते हो उसमें टीम्स होती है, इसी तरह टीम्स होती है, इसी तरह मेडिकल में भी टीम्स होती है। ठीक है, अब टीम्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ 2 or more individuals होते हैं जो कि जिनका कॉमन गोल होता है।
ठीक है। और उसके अलावा फिर ये होता है कि टीम्स में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं। लाइक अगर एक ही टीम में आप देखो कि अगर आपकी आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो एक टीम बनी हुई होती है, जब किसी की सर्जरी होती है तो पूरी एक टीम बनी हुई होती है, कोई एनेस्थीसिया देता है टीम में से, और हर एक बंदा जो है ना उसको डिफरेंट टास्क दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल सबका गोल एक ही होता है, एक कॉमन गोल होता है, ठीक है। और ये कि हर बंदे जो है वो बेसिकली हर बंदे को उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली उसका दिया जाता है, जो उसको असाइन जो उसको टास्क दिया जाता है, ठीक है। अब देखो व्हाट मेक्स फॉर अ सक्सेसफुल टीम, कि एक सक्सेसफुल टीम कब होती है कि बेसिकली उसमें ये सारी अगर जो है क्वालिटीज हो, क्या क्या क्वालिटीज हो, एक तो ये कि सबका पर्पस सेम हो, सबका गोल सेम हो, ठीक है। उसके अलावा ये है कि उसमें टीम में आपस में किसी का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप ये देखो कि इवन एक एग्जाम्पल जिस तरह मैं आपको देती हूँ, आप ये देखो कि अक्सर क्रिकेट का जब आप मैचेस वगैरह देखते हो तो उसमें अक्सर ये लगता है ना कि जिस तरह कोई प्लेयर जानबूझ के कभी लग रहा होता है कि गलत खेल रहा होता है, तो हम ये नहीं सोचते कि इसकी लड़ाई लगता है हुई हुई है टीम से, ठीक है। तो एक अच्छी टीम की ये क्वालिटीज होती है कि बेसिकली उसमें जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रेजोल्यूशन उसको फॉरन रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि एक टीम मेंबर्स जो है उनकी आपस में यूनिटी हो, एक दूसरे की वो रिस्पेक्ट करते हो और फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिस तरह ये है कि और ये कि अपने आप को मॉनिटर करे कि मैं कैसा काम, हर टीम का मेंबर जो है वो अपने आप को देखे कि वो किस तरह काम करे, ठीक है। आप बताओ क्या 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 क्वालिटी, क्या सक्सेसफुल टीम के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, बताओ कोई भी बता दो, ओवरऑल बता दो, चलो सारे सारे बोलो, कॉमन पर्पस देख के बता दो, मैंने तो स्लाइड सामने निकाली हुई है, क्या क्या इफेक्टिव टीम की क्या फीचर्स होंगे बोलो। मैम कॉर्पोरेशन हो सकती है, टीम वर्क हो सकता है। अ कॉमन पर्पस हो सकता है, गोल्स हो सकते हैं, हाँ एक दूसरे से कॉपरेट करें, और ये कि बीच में जो है जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो उसकी कोई लड़ाई वगैरह हो उसको फौरन रिजॉल्व करें। अनम लतीफ न्याजी बेटे आप बताओ, अनम लतीफ न्याजी यस मैम, आप बताओ कि एक अच्छी टीम क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छी टीम में, अगर एक इफेक्टिव टीम है तो मैम वो कोऑपरेटिव हो, यूनिटी हो, कोऑपरेटिव हो मतलब एग्री हो एक दूसरे से, वेरी गुड। और और मैम अगर कोई मैम बात मैनेजमेंट अच्छी होनी मैम चाहिए, टाइम टाइम और वेरी गुड, उनकी जो हाँ हाँ आप बीच मैम में कोई और, अगर कोई बात हो भी जाए टीम में, यानी कि यूनिटी में थोड़ा आ जाए, तो लेकिन फील ना बाहर के लोगों को होना दे के, मतलब इसमें ये हो वेरी रहा है, गुड बाहर वेरी गुड बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं लेकिन कुछ बिल्कुल जो भी है बाहर कुछ भी ऐसा फील ना हो। वेरी गुड वेरी गुड। मैं आपका नाम क्या, महकशा, महकशा नाम है, वेरी गुड। जी मैम, कि जी मैम, बेसिकली ये इसी चीज में आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कि अगर भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी उसको सॉल्व करें, ये ना हो कि सबको पता लग रहा हो कि इनकी आपस में लड़ाई हुई भी है, या ये कि बेसिकली गोल एक दूसरे से, ऑब्वियसली टीम वर्क में जब तक एक दूसरे से नहीं आप लोगों की यूनिटी होगी या एक दूसरे से कॉपरेट नहीं करोगे तो कभी भी एक बंदे की वजह से भी पूरी टीम जो है ना वो सफर करती है। तो हर बंदे को जो है हर बंदे का और सबका सेम गोल होना चाहिए, सेम गोल होगा तो ही सारे मिलके काम करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आप टाइप्स ऑफ टीम्स, अब हम देखते हैं कि कुछ टीम्स की हम टाइप्स आज पढ़ेंगे, ठीक है। कोर टीम्स है, कोऑर्डिनेटिंग टीम्स है, कंटिंजेंसी टीम है, एंसिलरी सर्विसेज है, सपोर्ट सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली एक एक करके आज हमने आज के लेक्चर में देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं कोर टीम्स क्या होती है। अच्छा आप ये देखो कि बेसिकली कोर टीम्स क्या होती हैं, कोर टीम्स होती हैं एक टीम लीडर्स होते हैं इसमें और टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम बाकी टीम्स में देखेंगे ना तो इस तरह की भी टीम्स होती हैं जो इनडायरेक्टली पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो कोर टीम्स होती हैं ना वो डायरेक्टली पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होती हैं। और उसके अलावा ये है कि कोर टीम्स में क्या आते हैं कि डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर्स आते हैं और कंटिन्यूटी प्रोवाइडर्स आते हैं, अभी हम देखते हैं। अच्छा अभी देखो कि अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या है कोर टीम्स की, कि एक आउट पेशेंट है, इन पेशेंट है और इन पेशेंट है, ठीक है। आउट पेशेंट में फैमिली प्रैक्टिस क्लिनिक है, फैमिली
अच्छा आप देखो कि बेसिकली एक कोर टीम में कौन कौन होता है, एक कोर टीम में एक फिजिशियन होगा, एक नर्स होगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर होगा। आप ये देखो जैसे आप जब हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाते हो तो आप ये देखो कि बेसिकली ये होता है कि एक फिजिशियन, एक मतलब वैसे अगर अगर आप जाओ तो ये देखोगे कि फिजिशियन और साथ एक नर्स होगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑब्वियसली हर हॉस्पिटल की ना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी होती है, वो हम आगे भी देखेंगे, आगे टीम्स में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का ये सारा कुछ। उसके बाद इन पेशेंट होता है टर्शरी केयर फैसिलिटी, ठीक है। अब देखो वही के कोर टीम में अब कौन कौन होएगा, जिस तरह फिजिशियन, नर्स एंड कार्डियक, कैथेटराइजेशन लैब स्टाफ मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग। अब ये जो है कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब वाले जो है एंजियोग्राफी या इस तरह से मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब उसके अलावा देखो इन पेशेंट एक ऑपरेशन, जब आप ये देखते हो कि जब भी आपने कभी खुदा ना हस्ता अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, तो आप देखते होगे कि वहाँ पे इस वहाँ पे देखो एक एनेस्थीजियोलॉजिस्ट जो है वो अलग से होता है, सर्जन होता है, सर्कुलेटिंग नर्स होती है और स्क्रब टेक्नीशियन होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि हमीद लतीफ जो है उसके उसमें अगर आप जाओ तो उसमें कोई सर्जरी वगैरह किसी की हो तो वो देखेंगे कि उसमें टीम्स बनी हुई होती हैं कि हर बंदा जो है एक स्पेसिफिक आप देखो एनेस्थीजिया देने वाला जो है वो डिफरेंट होता है बंदा, वो उससे उसमें स्पेशलिटी की होती है, वो अगले बंदे के वेट के अकॉर्डिंगली और अगले बंदे के वो उसके अकॉर्डिंगली डोज वगैरह देता है, ठीक है। अब ये कोर टीम्स होती है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है पेशेंट की केयर में, इनको कहते हैं हम कोर टीम्स, ठीक है। अब उसके बाद है कंटिनजेंसी टीम्स, ठीक है। अब ये कौन सी टीम्स होती हैं, ये वो वाली टीम्स होती हैं जो अचानक से देखो जो बना देते हैं जब कोई फॉर एग्जांपल जब कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई स्पेसिफिक इवेंट के लिए, कि आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर जब खुदा ना खास्ता कहीं पे जलजला आए बहुत ज़्यादा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही वगैरह हो, ठीक है, और वहाँ पे फिर स्पेशली एक टीम बना के भेजते हैं कि ये वाली टीम जाएगी उधर और लोगों को चेक करेगी, ठीक है। अभी देखो कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि जिस तरह अगर जिस तरह आप ये देखो जब कश्मीर का हुआ था बहुत ज़्यादा कश्मीर मकबूजा कश्मीर में जब ये इंडियंस ने कर लिया था, तो यहाँ से यूएचएस में आपने देखा होगा कि ये जो डॉक्टर जावेद अकरम शायद उनका नाम है जो वाइस चांसलर, उन्होंने कहा था कि एक हम टीम बना के भेजेंगे कश्मीर में, ठीक है। अभी बेसिकली ये इस तरह की टाइम लिमिटेड टीम होती है कि एक टाइम लिमिट के लिए होती है, जब तक कि वो डिजास्टर उधर हो या कोई इस तरह का इवेंट हो, कोई इमरजेंसी आ गई हो, इस तरह तो टीम बना के भेजते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं कि डॉक्टर्स की टीम जा रही है दूसरी जगह, तो ऐसी टीम्स को कहते हैं कंटिनजेंसी टीम्स। और जबकि कोर टीम्स वो थी जो कि डायरेक्टली पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह वहाँ पे डॉक्टर होता है, नर्स होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, और कंटिनजेंसी टीम्स कौन सी है जो कि एक टाइम लिमिट के लिए बेसिकली बनती है, कि एक टाइम लिमिट के लिए बन रही है, किसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, कहीं पे कोई डिजास्टर वगैरह आ गया तो उससे डील करने के लिए। कंटिनजेंसी और कोर टीम्स में डिफरेंस पता लगे, बोलो। आज आप लोग भी सारे yes, yes, ठीक है। अब देखो जो कंटिनजेंसी टीम है उसमें आउट पेशेंट में कौन कौन होगा, उसके आउट पेशेंट होगा फार्मासिस्ट होगा, एक फार्म डी होगा, ठीक है। अब ये फार्म डी और फार्मासिस्ट ही होगा कि अगर देखो इस तरह के जिस तरह अगर किसी वहां पे अगर कोई कैंप लगाया डॉक्टर से जाके, तो ये जो है ये दवाइयां वगैरह बताएंगे कि ये आप दवाइयां ले लें, कोई चेक कराने आते तो एक फार्म डी वगैरह होगा, ठीक है। जबकि देखो कि उसके वो जो हमने कोर टीम्स पढ़ी थी उसके आउट पेशेंट में कौन कौन था, फिजिशियन था, नर्स थी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर था, ठीक है। लेकिन कंटिनजेंसी टीम में सिर्फ एक फार्म डी का बंदा होगा जिसको ये पता होगा कि किस कंडीशन में क्या दवाई देनी है, ठीक है। उसके बाद है इन पेशेंट है, इन पेशेंट में देखो इसमें भी कार्डियक सर्जन होगा, एनेस्थीजिया स्टाफ होगा एंड ऑपरेटिव रूम स्टाफ होगा, ठीक है। क्या पे देखो कि ये उन लोगों के लिए अगर वहाँ पे देखो किसी की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है तो कार्डियक सर्जन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो ज्यादातर हार्ट डिजीज वगैरह ही होती है लोगों को। और इसके अलावा इन पेशेंट जो है इन पेशेंट में एनेस्थीजिया स्टाफ होगा, ठीक है। अब देखो आप ये कंटिनजेंसी टीम जो होती है वो टाइम लिमिट के लिए होती है, और जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कोर टीम्स उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता, वो वैसे टीम होती है, लेकिन ये इस तरह के अगर कोई डिजास्टर वगैरह हुए तो एक वक्ती तौर पे कोई टीम बनाती है, ठीक है। उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग टीम्स, ठीक है। अभी देखो कि कोऑर्डिनेटिंग टीम्स कौन सी होती है, कि आप ये देखो कि जिस तरह एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ आते हैं, कि जिस तरह देखो कि आप ये देखो कि एक तो कोर टीम है, ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि उसके अलावा आप जिस तरह अगर आप ये देखो कि एक तो कोर टीम है जिसमें एक फिजिशियन है, एक नर्स है और एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर है,
इसके अलावा देखो जो साइड पे लोग हेल्प कर रहे होते हैं, जिस तरह आप ये देखोगे फॉर एग्जांपल अगर कोई, जिस तरह अगर एक क्लर्क है, ठीक है, अब ये देखो कि इसमें ये है कि आप ये कि आप साथ एक एक चीफ नर्स है या कि फिजिशियन है जो कि ये कर रहे कि आईसीयू वगैरह में जिसका जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है, ठीक है, कि बेसिकली ये कोऑर्डिनेटिंग टीम, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेट कर रही है कोर टीम के साथ, ठीक है, ये इसमें वो वाले लोग आएंगे जो कि कोर टीम के साथ उनकी उनको सपोर्ट करेंगे, या ये कि अगर कोई बहुत ज्यादा तकलीफ दे कोई चीज आ गई है ये इस तरह, तो उसमें बेसिकली ये कोर कोलैबोरेट, ये जो कोऑर्डिनेटिंग टीम है ये कोर टीम के साथ कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है, कि बेसिकली ये करेंगे उनकी हेल्प करेंगे कोर टीम की। उसके बाद है एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें एंसिलरी सर्विसेज में क्या आता है कि आप ये देखो कि ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो हेल्थ केयर, देखो अब बेसिकली ये वो चीजें होती है कि जो एक कोर टीम को हेल्प, ये एंसिलरी और सपोर्ट सर्विसेज होती है, जिस तरह आप ये देखो कि अगर किसी हॉस्पिटल वगैरह में अगर कोई डॉक्टर किसी को चेक करता है वो फिर उसको एक्सरे एडवाइज कर देता है या रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में भेज देता है। अब भी देखो ये वाले जो सारी चीजें हैं, एक्सरे हो गया, ये लैब की चीज, जिस तरह आप ये देखो कि लैब में लेबोरेटरी वगैरह में अगर किसी का कोई काम होना है, या फार्मेसी है या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, अब देखो ये डायरेक्टली जो है, अब जहाँ पे पेश ये जो चीजें होती है, ये लैब हो गया या ये रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया या बेसिकली फार्मेसी होगी, अब देखो ये सारी चीजें जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती पेशेंट के साथ, ये वहाँ पे, ये मतलब उस जहाँ पे पेशेंट जो है अपनी रूटीन केयर ले रहा होता है, जो डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके साथ ये चीजें लोकेटेड होती है। ये बेसिकली ये सपोर्ट सर्विसेज, देखो जिस तरह के इसके नाम से पता लग रहा है एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज, के बेसिकली ये देखो कि ये सपोर्ट कर रही होती है बेसिकली कोर टीम्स को ही, कि जिस तरह अगर किसी पेशेंट का कोई डायग्नोज हुआ है तो एक्सरे वगैरह, जिस तरह आप ये देखो कि किसी के डायग्नोसिस में एक्सरे कितनी हेल्प करता है, एक्सरे हो गया, फार्मेसी होगी, फार्मेसी से दवाइयाँ वगैरह लेते, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है जहाँ पे पेशेंट, जो जहाँ पे पेशेंट अपनी केयर मतलब बेसिकली चेक कराने जा रहा है, वहाँ पे ये उसके ये साइड की चीजें जो कि सपोर्ट करती हैं उसके डायग्नोसिस में या उसके सही होने में, इसलिए इसको कहते हैं एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज। अच्छा, अब उसके अलावा है कि सपोर्ट सर्विसेज आर प्राइमरीली अ सर्विस फोकस्ड टीम हुज मिशन इज टू क्रिएट एफिशिएंट, सेफ, कंफर्टेबल एंड क्लीन हेल्थ केयर एनवायरनमेंट्स विच अफेक्ट द पेशेंट केयर टीम, मार्केट परसेप्शन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड पेशेंट सेफ्टी, फॉर एग्जांपल बायो इंजीनियर। हाँ, अब देखो कि सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या आता है कि इसमें बायो इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेराइल प्रोसेसिंग, हाउसकीपिंग, कि इसमें बेसिकली जिस तरह आप ये देखो कि कहीं पे अगर आप जाते हो, ये कि वहाँ की सफाई वगैरह में भी, जिस तरह कोई हॉस्पिटल है उसकी सफाई वगैरह में, या जिस तरह बायो इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR, ये सारी चीजें आती है सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम में, कि जिस तरह आप ये देखो कि बेसिकली ये आप किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ये इस चीज में हेल्प कर रहे हैं कि वहाँ की पेशेंट सेफ्टी वगैरह में ये हेल्प कर रहे हैं ये चीजें, और इसके अलावा ऑपरेशनल एफिशिएंसी में देखो कि बेसिकली अगर कोई चीज पड़ी हुई है वहाँ पे स्टेराइल है या नहीं है, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बेसिकली जो सपोर्ट वगैरह वाली एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज होती है, ये चीजें भी होना बहुत जरूरी है। अगर देखो एक हॉस्पिटल में फार्मेसी ना हो और या लैब वगैरह ना हो, आप ये देखो जिस तरह टेस्ट वगैरह तो लैब में ही होते हैं ना, ब्लड टेस्ट वगैरह और सारी चीजें, तो ये सपोर्ट सर्विसेज जो है एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज, ये भी बेसिकली ये डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते पेशेंट की रूटीन केयर में, लेकिन ये फैसिलिटेट करते हैं पेशेंट की केयर को, ठीक है। आप अभी तक हमने कौन कौन सी टीम्स पढ़ी हैं बोलो बेटा, किधर के हो सारे? मैम कोर कोर टीम टीम्स, पड़ी है, कंटेंजेंसी कोऑर्डिनेट, टीम, वेरी कोऑर्डिनेटिंग गुड टीम, वेरी कोडिंग, गुड, और एंसिलरी एंड सपोर्ट सिस्टम की अगली दफा मैंने सबसे यस पूछना है। अच्छा, अब उसके बाद है, अब हमने पढ़ना है इसके बाद रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पेशेंट एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अभी देखो कि इसमें सपोर्ट सर्विसेज वगैरह में वो भी चीजें आ जाती है कि जिस तरह आप ये देखो कि जिस तरह आप अक्सर लोगों को आप देखते हो ना कि वो इस तरह लोके मतलब कि मशीनरी वगैरह अप्लाई कर सप्लाई करना,
और जो आपने पढ़ा होगा बायोमेडिकल वगैरह वाले लोग होते हैं वो ये करते हैं कि हॉस्पिटल्स में मशीनरी सप्लाई करते हैं, या ये कि वो ये चीजें भी आ जाती हैं बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज में, एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज में, कि ये जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये सपोर्ट एक सपोर्ट दे रही होती है एक डॉक्टर के डायग्नोसिस में, और इस तरह जिस तरह हमने बात की कि मशीनरी वगैरह जो सप्लाई करते हैं वो लोग भी, अक्सर लोगों को आपने देखा ना कि होते वो इंजीनियर है लेकिन वो किसी हॉस्पिटल PIC के साथ ये इस तरह वो कहते हैं कि हम इस हॉस्पिटल में मशीनरी सप्लाई करते हैं, तो ये बेसिकली सपोर्ट सर्विसेज में आएगा, एंसिलरी एंड सपोर्ट सर्विसेज में, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखो कि आप ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना रोल होता है, कोई भी हॉस्पिटल हो अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो तो कितना कितना पेशेंट के लिए आसानी हो जाती है, और पेशेंट को कितनी आसानी होती है अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो। अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे हो लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी ना हो तो अच्छी खासी खबारी हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें बेसिकली, हाँ जी, इसने अनम्यूट किया अपना। देखो अब इसमें यही है कि इसमें आप ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसका बहुत ज्यादा रोल होता है, वो बेसिकली अपनी टीम को ये बताती है, टीम को एक तो यूनाइट करने में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छी होगी ना तो ही अच्छी तरह से हर डिपार्टमेंट चल रहा होगा उस हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आप देखोगे कि वहां पे हर चीज जो है एक नज़्मो ज़ब्त से हो रही होगी, लाइक जितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उस हॉस्पिटल की, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जिसका 24 आवर रोल होता है, ओवरऑल उसका 24 घंटे का काम होता है एक हॉस्पिटल की अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी। हम नहीं कहते कि अगर हम बहुत ज्यादा खवार हुए हैं उधर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी खराब थी इस तरह, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप ये देखो कि इसमें बेसिकली एक क्लिनिकल टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल टीम की, ओवरऑल टीम की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट और इनकी फैमिली की बात को ध्यान से सुने, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि पेशेंट्स को और पेशेंट्स और फैमिलीज को जो है टाइम उनको सही तरह से गाइड करें, और ये कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू को भी इम्पोर्टेंट समझें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि पेशेंट के कंसर्न्स वगैरह और जो उसके कंसर्न है उसके ट्रीटमेंट से वो सारा कुछ, और ये कि पेशेंट से जब कोई पेशेंट अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा ले तो उससे फीडबैक ले, ये एक क्लिनिकल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अच्छी क्लिनिकल टीम की जो कि अच्छी होगी। उसके बाद पेशेंट और फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या आप लोगों ने अगर बिहेवियोरल साइंसेस पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड ही चीज़ है कि ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो है पेशेंट कि वो बेसिकली ये करे कि पेशेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फैमिली की भी, कि अगर पेशेंट किसी और डॉक्टर को चेक करा रहा है या जो उसके सिम्टम्स हैं जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से सही तरह से डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री वगैरह दे, ठीक है। उसके अलावा अगर डॉक्टर जो है कोई उसने ट्रीटमेंट प्लान वगैरह की दिया है या उसने ये कहा है कि आपने तब तब मुझसे इन इन दिनों मुझसे मिलना है तो वो अपॉइंटमेंट्स को सही तरह से फॉलो करे। उसके अलावा ये कि अगर कोई कंसर्न है तो पूछे डॉक्टर से उसके बारे में। इसके अलावा ये है कि आप ये देखो कि फैमिली मेम्बर्स वगैरह को भी ये चाहिए कि वो अच्छे तरीके से टीम से बात करें, ये नहीं कि लड़ना शुरू हो जाए और सारा कुछ, ठीक है। ठीक है, आज बेसिकली यही था लेक्चर, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था ना, नो मैम, तुम लोग तो आज आज नो बच्चे जो मैम, है मुझे लग रहा है ज्यादा बच्चे सो रहे हैं आज, क्योंकि ना जवाब दे रहे हैं ना कुछ। चलो नेक्स्ट एग्जाम टाइम, की टेंशन में हाँ एग्जाम्स की मुझे पता है तुम लोग की, पढ़ा इसलिए मैंने छोटा लेक्चर लिया। मेरी बात सुनो तो तुम लोगों से अब नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह हम मिलेंगे तो आप लोगों के मिड्स वगैरह खत्म हो गए होंगे ना, अल्लाह यस खैर दे। मैम, यस बस मैम, ठीक है हमारा फिर। कल लास्ट पेपर है। अच्छा, अभी हमारा तो तो बच्चे 16 को लास्ट है। लास्ट है, अक्सर लोग कह रहे हैं हमारा 16th तो यस लास्ट है। मैम, लेक्टरों की मैम राबिया का पहले है और बाकी टीचर्स का बाद में। मैम चलिए 16 को ठीक है लास्ट। चलो ठीक है ठीक है चलो, अब यही है कि इंशाल्लाह ताला ये वाला लेक्चर और पिछला लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में ये वाला सुनूंगी मैं, टीम्स वाला लेक्चर, ठीक है। मैं डिफरेंस सुनूंगी कोर में, कोर टीम्स ओके में और कोऑर्डिनेटिंग मैम, टीम्स में। ओके मैम, ओके चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज मैम। ओके मैम।